अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हमारे टूर का पांचवा दिन है, तो हम जा रहे हैं नल्तर वैली और हमने चाइना बॉर्डर देख लिया और वापस गिलगित सिटी आ गए थे, तो वहाँ पे हमने रात गुजारी। तो आज तो सुबह हम नल्तर वैली के लिए निकल पड़े, असल में वहाँ पे दो तीन ले गए, तो हमने सोचा कि हम भी देख लें। और हमें रास्ते में भी फौरन के लोग मिले जो फ्रांस से साइकिलिंग करके आ रहे थे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत अच्छे थे वो लोग। उस चैनल पे हो पेड़ी जुड़ा सा मेरा हथली रही तो सुना तो हम फ्रांस के लोगों से मिल गए और पिक्चर विक्चर ले ली। अभी हम फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। ये जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ पे आप ग्रीनरी देख सकते हैं, रोड तो माशाल्लाह यहाँ पे सारे रोड अच्छे बने हुए हैं, बहुत मुश्किल चढ़ाई है लेकिन रोड बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे फलों के बहुत बगान थे, मसलन चेरी, खुबानी, ये सारी चीज़ें थी, हमने बहुत खाई और बहुत इंजॉय किए। तो आप लोग गिलगित के रोडों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें बताएं। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वो भी ज़रूर हमें बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए, हम और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। مشباب کن کام سبی وقتی بیا پاتو خطو شو لازم بچی پاتو بیا نکی گور رو سبی وقتی بیا پاتی مام دست بچی پر وقتی بیا کن کن نکته شو یعنی تو مامان کن کارو خو دست بچی سوزو ما خام پاک موقع کاری سیگوی شو مارو کام بالا کام مارو کام کن مجاریتی از اتاریتی نه بس کیلو نجیم نه مجاریتی زیاد داره که نی دو نه نه بعد پلن اینجا کن نه بیلو نی دو خبره بیلو آتی نی دو آتی نه دان کن دو نی دو خبر نکن अच्छा, काफ़ी डिस्कशन के बाद तो हमने 4x4 जीप ले ली, अभी हम रवाना हो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी दिखा है, ये भी है, ये स्कूल से वापसी पे आ रहे हैं, अभी छोटी हो गई हम, ये उर्दू में दोस्तों तो हम ब्लू लेक पहुंच गए, ये बिल्कुल ब्लू है, आप लोग देख सकते हैं, बड़ी अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोगों को दिखा देते हैं, ये इतना साफ है ना कि पत्थर नजर आते हैं, बहुत ही साफ। तो ये जगह हमें बहुत पसंद आई गिलगित में, आप इस लेक को देख सकते हैं। इनको देखो, इन दोनों को, इसको तो बहुत ठंड लगती है इधर को। तो बस तो इधर आ दूँगा शाह कुछ नूर बंद है तो वो सिर्फ वो सिर्फ मोबाइल खड़ा की दिशा में पटने में। तो दोस्तों ये दूसरा लेक है हलीमा लेक, ये उससे भी साफ सुथरा है, इसमें जो नीचे है वो घास है वो नजर आ रहे हैं देख। और आप लोग इस पानी के वेव्स को देख सकते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो ये पानी है, बहुत ही साफ सुथरा है,
और ये लोग ना इमरान खान के नारे लगा रहे गिलगित में भी। तो हम वापसी पे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो यहाँ पे रुक गए और खाना बना रहे हैं अभी। और दूसरी पहली बात यह कि हमसे चाकू कहीं गिर गई थी, तो चाकू नहीं था। मैं और नसीम ऊपर झोंपड़ियाँ थी, तो हमने सोचा ये इन लोगों से मांग लेते हैं, हमें नहीं पता था कि ये पश्तो वाले भी हैं। अभी मैं और नसीम जा रहे हैं ताकि हम उनसे चाकू ले सकें। देखो इन लोगों के घर, देखो कितनी अच्छी जगह पे हैं। चाकू है? चाकू? चाकू? कटेंगे कुमकाना सलान तैयार कुम्बिया देर कुंदा ना सही था। हाँ लल्ला ग्राउड़ा। अच्छा तो उन्होंने चाकू दे दी, ये आप लोग देख सकते हैं। Dear, just a moment.